संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं, एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें एक नए भारत का। नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत बनाम इंडिया की जगह अब इंडिया बनाम न्यू इंडिया ने ले ली है। उसमें भी 2022 का न्यू इंडिया बनाम 2047 का न्यू इंडिया जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई तरह के भारत वाले अभियान लॉन्च हुए हैं। इनके नाम कभी हिंदी में होते हैं, कभी अंग्रेजी में, जैसे स्वच्छ भारत हिंदी में है, मेक इन इंडिया अंग्रेजी में, आत्मनिर्भर भारत भी है जो इन दिनों चल रहा है, सक्षम भारत है, डिजिटल इंडिया है और स्किल इंडिया भी है। आपको भांति भांति के इंडिया, भांति भांति के भारत का जिक्र मिलेगा, जिसके नाम पर कई तरह के सपने अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों को दिखाए जाते रहे हैं। कभी भारत को विश्वगुरु बताया जाने लगता है, लेकिन जब यहां के फटीचर कॉलेजों की हालत दिखने लगती है तो विश्वगुरु छोड़ दिया जाता है, किसी और टाइप के इंडिया की बात होने लगती है। इस तरह की टैगलाइन और डेडलाइन के बीच भारत भटक रहा है। 2022 में न्यू इंडिया बनना था, अब नया आया है कि 2047 में न्यू इंडिया बनेगा। न्यू इंडिया को लेकर भांति भांति की तारीखें मिलती हैं। 2015 के बजट में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री के रूप में ऐलान करते हैं कि 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, इसी संदर्भ में आगे चलकर न्यू इंडिया का इस्तेमाल जोर पकड़ता है। कई बार नया इंडिया तो कई बार इसकी जगह नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए लक्ष्य का भी इस्तेमाल होता है। कभी उसे विजन कहते हैं, कभी मिशन बताया जाता है। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के, और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के कारण आज आजादी का आनंद लूट रहे हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे? वही तो हम पूछ रहे हैं कि 2022 के लिए सरकार ने जो खुद को समर्पित किया था, उस समर्पण का रिजल्ट क्या है? जो टारगेट बनाए गए थे वो कहां है? 2022 में भारत को नया इंडिया बनना था, उसका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन बेहद गंभीरता से इस नारे को सेट किया गया था जो आज हम बताएंगे। 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल हुए थे। इतिहास की ये घटनाएं हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा, नया सामर्थ्य, नया संकल्प, नया कर्तृत्व जगाने के लिए किस प्रकार से अवसर बने, ये हम लोगों का निरंतर प्रयास रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कई बार नया और नई का इस्तेमाल करते हैं इस भाषण में, लेकिन संसद के इस विशेष सत्र में नया इंडिया का जिक्र उनके भाषण में नहीं आता है। प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि का नारा देते हैं, 100 करोड़ भारतीयों के मिलकर जन आंदोलन चलाने की बात करते हैं ताकि संकल्प पूरा हो। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके के लिए कई संकल्प तय हुए, उनकी सिद्धि हुई या नहीं इसका कोई हिसाब नहीं। 2022 के बजट में तो कुछ बताया जाता या बजट के बाहर ही बताया जाता। तो मुझे विश्वास है संकल्प से सिद्धि के ये 5 साल 2017 से 2022 आजादी के 75 साल, आजादी के दीवानों को सपना पूरा करने का सामर्थ्यवान समय, इसको हम प्रेरणा का कारण बनाए। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, ये संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी, हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। 9 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में नया इंडिया इस्तेमाल करते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि उनकी राजनीतिक शब्दावली में नया इंडिया सबसे पहले इसी ट्वीट से आया, लेकिन पॉलिटिकल मार्केटिंग को समझने के लिए नया इंडिया की यात्रा और इसके विस्तार को जानना बहुत जरूरी है। 9 अगस्त 2017 को बाकायदा घोषणा पत्र जैसा पर्चा प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं,
जिसमें संकल्प से सिद्धि का नारा लिखा गया है। बाद में कई विभाग अपने प्रचार में संकल्प से सिद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं और यह हर जगह 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 छपने और दिखने लगता है। प्रधानमंत्री इसका नाम देते हैं न्यू इंडिया मूवमेंट। 2017 से 2022 तक इस मूवमेंट को चलना था। क्या आपको पता है कि ऐसा कोई न्यू इंडिया मूवमेंट आया भी था, और आया था तो आपने किस तरह से इस मूवमेंट में भाग लिया? प्रधानमंत्री संकल्प लेने के लिए कहते हैं कि 2022 में नया भारत बनाना है जो गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। 2022 तक हमारे सपनों का न्यू इंडिया बनेगा। कमाल है, 2022 में जो नया भारत बनना था उस भारत में सांप्रदायिकता मिट जानी थी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस पोस्टर के अलावा कितनी ईमानदार कोशिश हुई है इसका जवाब संकल्प का पोस्टर बनाने वाला भी नहीं दे पाएगा, वो भी हैरान होगा। 2016 में नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी के समय कहा गया कि भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार हो चुका है, लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की, भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। 2022 में ही भ्रष्टाचार का क्या हाल है आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि इसे खत्म करने की टाइमलाइन या डेडलाइन तो 2022 ही थी। मन की बात में कह रहे हैं कि 2047 का इंतजार क्यों, लेकिन बजट में विजन पेश कर रहे हैं कि 2047 तक का इंतजार कीजिए, उस समय भारत कैसा होगा। इन भाषणों का राजनीतिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए। बहुत कुछ जानेंगे आप अपने वर्तमान में टिक ना पाएं या देख ना पाएं कि आज आपके साथ क्या हो रहा है, गर्दन कटी है कि जेब कटी है, लेकिन इसकी जगह पर कभी 800 साल पीछे तो कभी 25 साल आगे की बात चलाई जाती है। एक और बात है, इस तरह के नारे केवल नारे के लिए नहीं गढ़ दिए जाते हैं कि कुछ भी बोल दिया, बल्कि उन्हें गंभीरता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए तरह तरह के इवेंट भी रचे जाते हैं। 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां साल मनाया गया और उसी से जुड़ा हुआ था दिसंबर 2018 में आया नीति आयोग का एक दस्तावेज। ये नीति आयोग के उस दस्तावेज का कवर है जिसे 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस पर अलग अलग भाषाओं में नया इंडिया, न्यू इंडिया लिखा हुआ है। आपको तोहफा का गाना याद है ना, तोहफा तोहफा तोहफा, फिर इको साउंड आता है लाया लाया लाया, उसी टाइप का इसमें नया 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 लिखा हुआ है। 232 पन्नों का यह दस्तावेज तैयार किया गया कि आजादी के 75 साल होने पर भारत को नया इंडिया बनाना है। इसकी भूमिका में लिखा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल होने से प्रेरणा ली गई है। इस तरह यह नया भारत के ऐलान का प्रमाणिक दस्तावेज बन जाता है जिसे 2022 में बनना था। आप देखेंगे कि इस तरह के नए नए इवेंट के जरिए नया भारत के सपनों को लोगों के दिलो दिमाग में हेडलाइनों और प्रचारों के जरिए ठेल दिया गया ताकि लगे कि सरकार सीरियस है। आप कैसे नहीं सीरियसली लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस फॉरवर्ड में लिखा है, नीति आयोग के दस्तावेज के फॉरवर्ड में, कि 2022 में न्यू इंडिया बनाना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जोर देकर लिखा है कि पांच साल में ही न्यू इंडिया बनाना है। तो जो बना है वो कहां है, यही तो हम पूछ रहे हैं। आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में न्यू इंडिया के लिए 41 क्षेत्रों की पहचान की है। सबके लिए अलग अलग टारगेट हैं जिन्हें 2022-23 में पूरा होना था। हर सेक्टर को लेकर इस दस्तावेज में 41 चैप्टर हैं। खेती वाले चैप्टर में जीरो बजट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ कुछ पता नहीं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम बनाने की बात हुई। 14 अप्रैल 2016 को ई नैम योजना लॉन्च की गई। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना भारतीय कृषि के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब बताइए कि यह टर्निंग पॉइंट कहां है और यह योजना कहां है। हेडलाइन में कोई कमी नहीं की जाती, ना ही इवेंट और उसके ऐलान में। 4 साल बाद 2021 के बजट में सरकार ने बताया
कि 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया गया है। यह भी कहा कि आने वाले साल में 1000 नई मंडियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन ई नाम की वेबसाइट से पता चलता है, जो आज हमने देखी है, कि 1000 मंडियां ही जोड़ी गई हैं ई नाम से। क्या इस एक साल में इस मामले में जीरो प्रगति हुई है? तत्कालीन कृषि मंत्री राधामोहन सिंह 24 जनवरी 2019 को खुद ही अपने बयान की खबर ट्वीट करते हैं, जो अलग अलग अखबारों में छपी है, कि 2022 तक सारे 7,500 स्थायी मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 14,500 अस्थायी मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर 2022 तक 22,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाना था। लेकिन क्या यह टारगेट पूरा हुआ? 18 जनवरी 2019 को फेसबुक पर राधामोहन सिंह, तब वो कृषि मंत्री थे, एक पोस्टर चिपकाते हैं। इसे हैशटैग के तहत 5 साल का चैलेंज कहते हैं और बताते हैं कि जनवरी 2019 तक 585 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है, जबकि 2014 में ई नाम मंडियों की संख्या जीरो थी। मतलब इतना शानदार काम कर दिया है, लेकिन क्या अब कोई फिर से चैलेंज वाला ऐसा पोस्टर बना देगा कि 22,000 मंडियों को ई नाम से 2022 तक जोड़ने का चैलेंज कहां गया? आज भी इसकी वेबसाइट पर 1000 मंडियां हैं, जबकि फरवरी 2021 की इस छपी हुई खबर में कृषि मंत्रालय का बयान है कि ई नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो यह हाल है न्यू इंडिया बनाने के लिए संकल्प और सिद्धि का। लेकिन नाम देखिए, जैसे अमृतकाल, संकल्प और सिद्धि, फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि सरकार की योजना है या किसी शास्त्र पुराण से निकली हुई योजना है। 9 जुलाई 2019 में पीआईबी के एक प्रेस रिलीज के जरिए सरकार बताती है कि ई नाम से करीब 1,64,00,000 किसान जुड़े हैं। आज इसकी वेबसाइट पर दिखा कि ई नाम मंडी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 1,72,00,000 है, यानी 2019 से 2022 के बीच केवल 8,00,000 किसान ही ई नाम से जुड़े। यही हाल ऑर्गेनिक खेती का है। इस बार के बजट में कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती का प्रसार किया जाएगा। नमामि गंगे की बात नहीं होती है, लेकिन किसी ना किसी बहाने गंगा की बात होती रहती है, जैसे पता चले कि गंगा को ही साफ करने के अभियान के तहत यह सब किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती के हाल पर हमने 22 नवंबर 2021 के प्राइम टाइम में कुछ दिखाया था, उसका एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं। तब पता चलेगा कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पर 2016 से कैसे सपना दिखाया जा रहा है। 2022 आ गया, यह भी नया भारत का एजेंडा था नीति आयोग के दस्तावेज में। 2016 में पद्मश्री देने के 3 साल बाद 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री ने जीरो बजट खेती की बात की। रासायनिक चीजों के इस्तेमाल के बिना प्राकृतिक तरीके से खेती करने की नीति का ऐलान हुआ, लेकिन यह सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। इसी से अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जीरो बजट फार्मिंग के लिए कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। 5 साल में बात कमेटी पर पहुंची है। इसका मतलब है कि सुधार को लेकर सरकार जल्दी में नहीं है, उन्हीं सुधारों को लेकर जल्दी में लगती है, जिसे लेकर आरोप लगता है कि चंद कंपनियों के लिए सब किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं जीरो बजट पर अच्छी नीयत से अच्छी अच्छी बातें करने वाली सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है? डीएमके सांसद कनिमोड़ी करुणानिधि ने लोकसभा में इस बारे में सवाल किया। उसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना के तहत 8 राज्यों में 49 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, केवल 49 करोड़। ये हाल है जीरो बजट खेती को प्रोत्साहित करने के बजट का फैसले का। यह जवाब इसी साल अगस्त का है। मंत्री जी ने लिखित जवाब में कहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF का नाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP कर दिया गया है। 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उप योजना के तौर पर चल रही है ये। इसके तहत 3 साल में 1 हेक्टेयर खेत को ऑर्गेनिक करने के लिए सरकार 12,200 रुपए की आर्थिक मदद देगी। अभी तक 49 करोड़ की राशि ही खर्च हुई है 8 राज्यों में। ये ऑर्गेनिक खेती का हाल है। नीति आयोग के दस्तावेज की प्रवेशिका में लिखा है कि 2019 तक भारत के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा इंटरनेट से, ताकि नया इंडिया बन सके। और यह भी टारगेट था कि 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को ही खत्म कर दिया जाएगा। क्या 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जा सका?
जुलाई 2021 में इंडियन एक्सप्रेस के आशीष आर्यन की रिपोर्ट बताती है कि भारत नेट प्रोग्राम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहा है। 25 जून 2021 तक केवल 1.5 लाख से कुछ अधिक ग्राम पंचायतों में ही सेवा चालू की जा सकी थी। दूसरे चरण की योजना में करीब 35,000 ग्राम पंचायतों में ही सेवा चालू हुई। वैसे यह योजना 2011 में शुरू हुई थी। 15 दिसंबर 2021 को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 30 नवंबर 2021 तक 1,67,156 ग्राम पंचायतों में ही सेवा चालू हो सकी है, यानी 2019 का टारगेट 2021 तक पूरा नहीं हुआ। ये हाल है संकल्प और सिद्धि का, नया इंडिया बनाने का। अभी तक हम 2022 के साल के लिए 2-4 टारगेट का ही जिक्र करते रहे थे, लेकिन इसकी सूची बहुत लंबी है, नीति आयोग के दस्तावेज में मिलेगी। किसानों की आय दोगुनी होनी थी, 2022 में नहीं हुई। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 करोड़ बनने थे, लक्ष्य से ये योजना काफी पीछे है। पीएम कुसुम योजना के तहत लाखों सोलर पंप किसानों को दिए जाने थे, नहीं दिए गए। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने थे, पूरे नहीं बने, काफी कम बने। इसी तरह 2022 के लिए 22,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाना था, नहीं जोड़ा गया। भारत नेट का हाल आपने देखा। 2022 तक के नए भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 30% तक लानी थी, इसकी चर्चा गायब है। तो कुछ ना कुछ बड़ा बता देना है ताकि हेडलाइन बड़ी बने। 2015 से 2022 तक इतने अभियान चलाए गए कि किसी को लगा ही नहीं होगा कि 2022 आने के बाद इसका हिसाब ही नहीं दिया जाएगा, इसकी चर्चा बंद हो जाएगी। न्यू इंडिया बनाने के लिए संकल्प से सिद्धि के नाम पर कई विभागों ने चहल पहल शुरू कर दी थी। कोई पोस्टर बनाने लगा, कोई कुछ और अभियान चलाने लगा। हमें एक वेबसाइट भी मिली जिसका पता है newindia.mygov.in। इस पर लोगों से कहा गया है कि नया भारत बनाने के लिए जो जन आंदोलन चल रहा है उसमें न्यू इंडिया के नागरिक के तौर पर अपना पंजीकरण कराएं। आप पंजीकरण कराने जाएंगे तो 2 चरणों में नाम पता पूछा जाता है, उसके बाद एक शपथ पत्र जैसा आता है। नए भारत के नागरिक के लिए यह सब करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या होता है, इसके पीछे कितना पैसा बर्बाद हुआ या खर्च हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। यह इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा था जिसके लिए मात्र 59,025 न्यू इंडिया सिटीजन ने पंजीकरण कराए। पंजीकरण कराने पर कहा जाता है कि जुड़े रहिए, जन आंदोलन की ताजा जानकारियां मिलती रहेंगी। इन 59,000 में से कोई है जो बता सकता है कि जन आंदोलन की उन्हें किस किस तरह की ताजा जानकारी मिलती रही? यही नहीं, 2022 के न्यू इंडिया के लिए लोगो क्या होना चाहिए, इस पर भी कंपटीशन हुआ था। लोगो तक बन रहा था जैसा कि यह पोस्टर बताता है। इस पोस्टर में आह्वान किया गया है कि एक लघु फिल्म प्रतियोगिता चल रही है जिसमें आप भाग लीजिए। टॉपिक भी दे दिया गया है कि भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा योगदान। तमाम विभागों की योजनाओं के ऊपर 2022 न्यू इंडिया चिपका दिया जाता है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर है, लिखा है न्यू इंडिया बज। पोस्टरों और हेडलाइनों की ऐसी बज बजाहट हुई, अब यह समझना मुश्किल है कि इन पोस्टरों और हेडलाइनों का क्या किया जाए जब 2022 आ गया। कितनी गंभीरता से यह सब काम किया जाता रहा है कि ताकि किसी को शक न हो कि जब 2022 आएगा तो इनका कुछ भी पता नहीं चलेगा। संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं, एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएं। हाँ, देशभक्ति की रहे रही हमारे, हो पूरब पश्चिम में जगी आशा। सब मिलकर संकल्प लें एक नए भारत का। अगर आपको अब भी इस न्यू इंडिया को लेकर किए गए तामझाम और काम तमाम का खेल समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप कोई भी खेल समझने लायक नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बयान दिया गया और भुला दिया गया, काफी गंभीरता के साथ लोगों को न्यू इंडिया के अभियान में लगाए रखा गया। तभी तो नीति आयोग ने 232 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया। जिन लोगों ने लिखा वो अपने लेख को किस न्यू इंडिया में पढ़ते होंगे वही जाने। प्रधानमंत्री एक नहीं अनेक बार कहते रहे कि
कि 2022 में न्यू इंडिया बनेगा। बस 2022 आया तो किसी ने दिखाया नहीं कि 2022 का न्यू इंडिया किधर चला गया। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। Our startups are changing the rules of the game। इसलिए मैं मानता हूं startups are going to be the backbone of new India। मुझे पूरा भरोसा है इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। नया इंडिया 2022 से अब 2047 पर शिफ्ट हो गया है। बजट में बताया गया कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है। इस बजट का विजन अगले 25 साल का हो गया है, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे। हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जब 2022 नहीं आया था, बहुत दूर था, तभी से 2047 को सीन में लाया जा चुका था। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है, जिसमें वे 2047 के भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब का भारत कैसा होगा इसकी कल्पना करनी चाहिए। लेकिन इसी घोषणा पत्र में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का संदेश छपा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और 2022 में न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी मतदाताओं से अपील कर रही है कि 2019 से 24 के बीच नए इंडिया की बुनियाद रखने के लिए वोट दीजिए। इस थीम के आधार पर वोट मांगा गया। नया टूथपेस्ट, नया दंत मंजन, नया दातुन, नया खरीका, नया साबुन, नया तेल के जैसा हो गया है अपना नया इंडिया। पहले टारगेट आया कि 2022 में नया इंडिया बनेगा और जब 2022 आ गया तो टारगेट को 2047 में भेज दिया गया। इन सब के पीछे के मनोविज्ञान को आप समझिए। बहरहाल अमृत काल में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। अनुराग द्वारी अभी भी अमृत काल से पूर्व की समस्याओं की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लगता है उन्होंने अमृत काल वाली बस अभी तक नहीं पकड़ी है। वैसे अनुराग बता रहे हैं कि रेलवे ने बड़ी संख्या में पद वापस कर दिए हैं, जबकि बेरोजगार सड़क पर हैं। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। माता पिता से बहुत मन करता, लेकिन क्या बताए सर, गांव में जाते हैं ना तो दिया दर कहता है क्या कि कहते हैं कि इतना दिन से रहता है अभी तक जॉब नहीं हो रहा, क्या करता। सड़क पर संसद में हंगामा, उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको घरों में घुस के मारा गया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी आरआरबी एनटीपीसी ने 35,000 पद निकाले। 2019 में आवेदन मांगे गए, बताया गया कि 1.25 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भर दिया है, यानी रोजगार के मामले में सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे दिया। एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी नौकरियां घट रही हैं। अकेले भोपाल डिवीजन में 2016-17 में स्वीकृत पद 18,717 थे, जो 2020-21 में घटकर 17,998 हो गए। पिछले 5 सालों में रेलवे ने 1,402 पद सरेंडर कर दिए, 683 नए पद आए, यानी अकेले भोपाल डिवीजन में 719 पद कम हो गए। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में पिछले 5 साल में 18,011 पद सरेंडर कर दिए गए, नए पद आए 12,881 यानी 5,130 पद कम हो गए। जबकि ग्रुप सी में स्वीकृत पद 1,14,065 हैं, खाली पद हैं 28,550। ग्रुप डी में स्वीकृत पद हैं 53,770, खाली पद हैं 8,886। रेलवे से ये जानने की जिज्ञासा थी
कि वर्तमान में रेलवे की वैकेंसी पोजीशन क्या है, साल दर साल रेलवे में कुल कितने पद सृजित हुए हैं एवं कुल कितनी पोस्ट सरेंडर हुई है। इस पर रेलवे के सबसे बड़े जोन में से एक नॉर्दर्न रेलवे और दूसरा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन से जो जानकारी आरटीआई में मिली है वह आपके सामने। अभी जब आपने विजुअल्स देखे होंगे जो यंग बच्चे नौकरी के लिए उन पर लाठियां गोले बरसाए जा रहे थे, किस बात को इंगित करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर के सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। CMIEE के आंकड़े कहते हैं कि सितंबर से दिसंबर 2021 के बीच देश में कुल बेरोजगारों की संख्या 3,18,00,000 रही। 2020 के लॉकडाउन में देश में कुल 2,93,00,000 बेरोजगार थे। वैसे फिलहाल 1,24,00,000 बेरोजगार ऐसे भी हैं जो थककर काम की तलाश छोड़ चुके हैं, यानी उन्हें भी जोड़ दें तो बेरोजगारों का आंकड़ा 4,27,00,000 हो जाता है। जब पद पूरे नहीं भरे हैं तो अंजाम भी आपको भुगतना है, क्योंकि रेलवे की क्षमता प्रभावित होना तो तय है। शायद इसी वजह से अप्रैल से दिसंबर 2021 तक 41,483 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें देर से चली, मेंटेनेंस के नाम पर 35,000 ट्रेनें रद्द हो गईं। आज नौजवान रेल पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तरीका गैर वाजिब है, लेकिन जरा सोचिए क्या गुस्सा भी गैर वाजिब है? जहां सरकार पकौड़े तलने को स्वरोजगार माने उसे वाजिब माने, लेकिन दो सालों में करोड़ों उम्मीदवारों के गुस्से को गैर वाजिब। आखिर ये आपका ही तो रिपोर्ट कार्ड है सरकार, जहां सालों में करोड़ों लोगों को, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन सालों में करोड़ों बेरोजगार जरूर हो गए। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन और हिमांशु शेखर मिश्रा और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। हमारे सहयोगी रवीश रंजन मथुरा में है। चुनावी राजनीति के बीच मथुरा में आस्था का मुद्दा ज्यादा प्रखर है या लोगों की रोजी रोटी का, इनकी रिपोर्ट से पता चलेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान से करीब 2 किलोमीटर दूर दरेशी रोड पर मजीद रेस्टोरेंट है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहकों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। कभी यहाँ तमाम लोग नॉनवेज खाने आते थे, लेकिन अब रेस्टोरेंट के बाहर शाकाहारी का बड़ा बोर्ड लगा है। इस रोड पर नॉनवेज की कई दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ ने चिकन के जगह छोले भटूरे बेचने शुरू कर दिए। पहले यहाँ नॉनवेज का काम था पूरा। अच्छा, तो और अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी सिर्फ यहाँ वेज का काम चल रहा है, चल क्या रहा है वेज का कोशिश कर रहे हैं चलाने की। क्या कोई इस तरीके का आदेश आया कि जिसमें ये कहा गया कि भाई वेज आप बेचो? किसी तरीके का कोई आदेश तो आज तक नहीं है। ये सिर्फ तानाशाही थी कि रातों रात एक ऑर्डर या पुलिस आती है और आकर के उसको जो है बल के जोर पर बंद करवा देती है कि कल से आप नहीं बेचेंगे। नॉनवेज का काम खत्म होने से दरेशी रोड के आसपास की मुस्लिम आबादी में बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। गुस्सा इस बात को लेकर है कि सियासी लोगों ने खाने पीने पर भी राजनीति कर डाली। अब ये गरीबों के मारे सिर्फ मुस्लिम बाकी की और कहा तो आस्था की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, हम कितना निभाते हैं? हम तो करीब ही बिल्कुल भगवान तो अरे हम देखिए जन्माष्टमी पे देखिए आप मंदिर हमारे करीब में कौन करते, कहीं हिंदू को पता भी नहीं है मंदिर हमारे करीब में यह है माता वाली गली में, हम उसकी सेवा करते मंदिर की, हमसे बड़ा भक्त कौन है। दरेशी रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर विकास बाजार में ये आबिद का अमेरिकन डोसा कॉर्नर है। भारत के रहने वाले आबिद को अमेरिकन नाम पर डोसा क्यों बेचना पड़ रहा है? बरसों पहले इन्होंने श्रीनाथ डोसा कॉर्नर नाम रख लिया था। पिछले साल कुछ हिंदुवादी संगठनों के लोग आए और बोले कि मुसलमान होकर श्रीनाथ डोसा कॉर्नर क्यों नाम रखा है। तो आपसे ये बोला कि भाई आप मुस्लिम हो? हाँ, मुस्लिम तो, नाम चेंज कर दो इसका, तुम और कहीं नाम पे चलाइए। अच्छा, हाँ। तो क्या मुस्लिम आदमी श्रीनाथ डोसा नहीं रख सकता नाम? रख सकते हैं, मगर आदमी जलन बहुत ज्यादा है, समझ को यहाँ पे चक्कर जाएंगे। उबड़ खाबड़ गलियों से होते हुए हम यमुना नदी के पास पहुँचे। नदी की सफाई के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के पुरोहित और आम शहरियों से सुनिए कि उनके लिए यमुना की सफाई जरूरी है या मीट पर पाबंदी। क्या आप लोगों के बीच अब से पहले कोई ये मुद्दा था
कि मीट की दुकान बंद करने की डिमांड आप लोगों ने की थी क्या? नहीं, ये कितने सालों से खुला हुआ था? 50 साल की उम्र है, 50 साल से देख रहे हैं। तो कभी मीट को लेकर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा, कोई बवाल या कोई आपने डिमांड भी नहीं की? कोई कुछ नहीं। फिर ये कहां से इनको ख्याल आ गया कि इसको मुद्दा बनाया जाए? ये तो राजनीति है। अच्छा, विधानसभा चुनाव प्रचार में मुगलों से लेकर जिन्ना तक को याद किया जा रहा है, लेकिन मथुरा के अमरनाथ और आबिद की समस्याओं से पल्ला झाड़ा जा रहा है। लोगों को समझ आ रहा है कि सियासी नेताओं की इसी चाल से बाखबर रहने की जरूरत है। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।